राम राम किसान भाइयों मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में किसान भाइयों आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत ही अच्छे टॉपिक पर होने वाली है कि गेहूं की फसल के अंदर जब हमारी बालियां बननी शुरू होती हैं तो बालियां बनने से पहले हमें इस खाद को डालना है बालियां बनने के बाद यदि आप इस खाद को डालते हैं तो उतने अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे जितने अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों आपको बालियाँ बनने से पहले मिल जाएंगे बालियाँ बनने से पहले का मतलब यह है जिस समय पर किसान भाइयों हमारी जो गेहूँ की फसल है वो गबोट अवस्था में आती है यानी कि उसके अंदर जब बालियां निकलने वाली होती हैं बालियाँ निकलनी शुरू होती हैं उस समय पर किसान भाइयों यदि आप जो है इस खाद का उपयोग कर लेते हैं तो बहुत ही शानदार और अच्छे रिजल्ट गेहूं की फसल आपको निकाल कर देगी आपकी जितनी भी बालियां आएंगी ये मोटी आएंगी लंबी आएंगी दाने इनके अंदर ठोस और भरे हुए आएंगे ऐसा नहीं है कि हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जो दाने होते हैं वे पिचक जाते हैं सूखड़ जाते हैं काले पड़ जाते हैं इस तरह की दिक्कत गेहूं की फसल के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है तो कौन कौन से खादे दो खादों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं इन दोनों खादों की इतनी ही मात्रा आपको डालनी है जितनी वीडियो में बताई जाए तभी आप एक सही और अच्छा उत्पादन निकाल पाएंगे यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिलती रहे अगली वीडियो आप किस खेती से संबंधित चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं अब आपको चैनल पर लहसुन की खेती मिर्च की खेती टमाटर की खेती प्याज की खेती आलू की खेती गेहूं की खेती धान की खेती या अन्य जो हमारी सब्जी वर्ग फसलें उन फसलों की भी जानकारी की वीडियो मिलती रहेंगी जिस फसल की वीडियो आपको जल्दी चाहिए उसका कमेंट आप नीचे कर सकते हैं बहुत जल्द आपको एक अच्छी और सटीक जानकारी की वीडियो बना करके दी जाएगी जिसमें आप काफ़ी कम खर्चे में काफ़ी कम लागत में एक अच्छा उत्पादन किसान भाइयों निकाल पाएंगे यदि आप अच्छी अच्छी जानकारी की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको लगातार वीडियो

गेहूं के तने होंगे जो इसकी हमारी जो फसल खड़ी है इसका जो तना होगा ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है यानी कि यदि हल्की बारिश पड़ती है या हल्की हवा भी चलती है तो हमारी फसल जो है नीचे नहीं गिर पाती है दूसरा किसान भाई जो दाने होंगे दाने को ठोस बनाने में मजबूत बनाने में इसका बहुत बड़ा अहम योगदान पोटास का देखा जाता है क्योंकि ये दाने वर्गीय फसल है और दाने को ये मजबूत करता है दाने दाने के अंदर मोटाई बढ़ाता है और दाने के अंदर वजन को भी ये बढ़ा देता है तो पोटास का उपयोग यदि आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये गेहूँ की फसल के अंदर निकाल करके देगा साथ ही साथ किसान भाइयों जो गेहूं की बालियां होती हैं बालियों को लंबा करेगा बालियों को मोटा भी इससे हो जाए बालियां भी इससे मोटी होती हैं और पौधा हमारा आसानी के साथ नीचे नहीं गिरता तो इससे कई सारे फायदे आपको देखने को मिलेंगे दूसरा जो हमारी बालियां होंगी इनके ऊपर चमक रहेगी दाने के अंदर भी चमक चमक आएगी और जो मान लीजिए साइड वाला खेत आपका है किसी भी किसान भाई का हो यदि उन्होंने पोटास का उपयोग नहीं किया है और आपने पोटास का उपयोग किया है तो दोनों खेतों में आपको बहुत बड़ा अंतर किसान भाई यहाँ पर देखने को मिलेगा तो यहाँ पर म्यूरेट ऑफ पोटास का उपयोग आपको एक बार अवश्य कर लेना चाहिए बालियां निकलने से पहले पूरी गेहूं की फसल के, तो के, के बालियां बननी शुरू होगी पहले -पहले तो, तो उसके अंदर पोटास की पूर्ति होगी हमारे खेत के अंदर और खेत तेजी के साथ ताकत लगाएगा जिससे हमारी जो फसल होगी अच्छी तरीके से बालियों के अंदर वजन बना पाएगी दाने को अच्छी तरीके से भर पाएगी दाने को सिकुड़ने नहीं देगी तो एमओपी पोटास की मात्रा आपको लेनी है लगभग 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दूसरा किस्म में यहां पर जो आपको खाद लेना है दूसरा खाद लेना है आपको कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट की जो मात्रा आप लेंगे वो मात्र आठ किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है इससे ऊपर बिल्कुल भी मात्रा ना ले और दोनों को मिला करके बाले निकलने से पहले अपने खेत के अंदर डाल दें।